हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट पर लिख दीजिए और अपने पास के सबसे नज़दीक सबसे बड़े शहर का नाम और स्टेट का नाम कमेंट पर लिख दीजिए ताकि हम मॉर्निंग न्यूज़ के वीडियो में आपके शहर से जुड़ी हुई बड़ी खबरें दिखा सकें। तो देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। नीतीश कुमार फिर होंगे एनडीए का हिस्सा, बनेंगे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम होंगे सुशील मोदी, 28 को बन सकती है सरकार, फॉर्मूला हो गया है तैयार। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम अब बहुत तेजी से बदल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना सकते हैं। बिहार में राजद व कांग्रेस के साथ बना हुआ महागठबंधन एक बार फिर से टूट सकता है और नई सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे व दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। मीडिया और राजनीतिक सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसकी माने तो नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और सुशील मोदी उनके डिप्टी सीएम हो सकते हैं। नई सरकार को लेकर फॉर्मूला भी तय किया जा रहा है। तो वही अब इस तरह की खबरों के बीच लालू प्रसाद यादव ने राजद के नेताओं की बैठक बुलाई है जिसके चलते वह आगे की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। इस बाबत जनता दल यूनाइटेड के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है जिसमें नीतीश कुमार पार्टी के लोगों के साथ राय जानने की कोशिश करेंगे और अपनी आगे की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। ऐसी चर्चा है कि बिहार की नई सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, वही दो उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं जिसमें नीतीश कुमार की पसंद सुशील मोदी का डिप्टी सीएम बनना तय माना जा रहा है। वहीं ऐसी भी चर्चा है कि भाजपा नई सरकार में दो नए चेहरे शामिल करके उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। अब की बार बजट पेश करके इन वित्त मंत्रियों को पछाड़ देंगी निर्मला सीतारमण, बनाएंगी नया रिकॉर्ड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार छठा बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही वह लगातार 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने वाली देश की दूसरी वित्त मंत्री होंगी। यह उपलब्धि अब तक केवल पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने के साथ ही मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा जैसे पूर्व वित्त मंत्रियों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देंगी। इन नेताओं ने लगातार 5 बजट पेश किए थे। वित्त मंत्री के रूप में देसाई ने 1959-1964 के बीच 5 सालाना बजट और एक अंतरिम बजट पेश किए थे। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश होने वाला है और ये अंतरिम बजट लेखानुदान होगा। यह सरकार को अप्रैल मई के आम चुनाव के बाद नई सरकार आने तक कुछ निश्चित मदों में खर्च करने का अधिकार देगा। चूंकि आम चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट में कोई बड़ा नीतिगत बदलाव होने की संभावना नहीं है। वित्त मंत्री ने पिछले महीने एक कार्यक्रम में अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा करने से इनकार किया था। उन्होंने कहा कि यह आम चुनाव से पहले सिर्फ लेखानुदान होगा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। दरअसल उन्हें कोरोना संकट काल के दौरान जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ नहीं मिला था वो अब मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। इस बात को लेकर वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव मिला है। इस प्रस्ताव के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोरोना संकट काल के दौरान सस्पेंड किया गया, वहीं 18 महीने का महंगाई भत्ता या महंगाई राहत दिए जाने की सिफारिश और मांग भी की गई है। अगर इसे मान लिया जाता है तो बजट में या फिर इसके बाद सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को एक और शानदार खबर मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बात को लेकर एक लेटर लिखा है। मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से इस बात का अनुरोध किया है कि जो डीए और डीआर जैसे भत्ते सस्पेंड करके रोक दिए गए थे उन्हें अब जारी कर दिया जाए। लोकसभा चुनाव की आहत में ये संभव है कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार जो है वो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लुभाने के लिए ये खास मांग पूरी कर सकती है।
ज्ञानवापी सर्वे पर एएसआई की रिपोर्ट के बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बोले मुस्लिम खुद ही सौंप दे हिंदुओं को मंदिर। जहां एक तरफ वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे हुए ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट बीते गुरुवार को देर शाम को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सार्वजनिक कर दी है, जिसके मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है। इस सर्वे रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने एक बड़ी बात कही है। दरअसल इस मामले पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे के बाद मुस्लिम पक्ष को खुद ही यह मंदिर हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। इससे इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा और सामाजिक समरसता को भी एक तरफ से बढ़ावा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एएसआई के सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में जनार्दन, रुद्र और विश्वेश्वर के शिलालेख भी मिले हैं। इस रिपोर्ट में एक जगह महामुक्ति मंडप लिखा है। इस बात के एएसआई में कहना है कि यह संकेत मजबूत है। एएसआई सर्वे के अनुसार जदुनाथ सरकार की फाइंडिंग को सही पाया गया है। 1669 में 2 सितंबर को मंदिर को ढहाया गया था। जो पिलर थे दरअसल वे पहले के मंदिर के थे, जिनका इस्तेमाल बाद में मस्जिद के लिए किया गया। इसके साथ ही जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी। एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी दीवार पर एक हिंदू मंदिर का हिस्सा है, उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़ा गया था, उसके बाद इसे मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया गया। एएसआई के अनुसार यहाँ मस्जिद से पहले हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर ही था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में क्या मिला प्रसाद? रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी ने वीडियो शेयर कर दिखाया। बता दें कि 22 जनवरी को पूरी धूमधाम से अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस समारोह में हमारे देश के तमाम आम और खास लोग वहां पहुंचे हुए थे। पीएम मोदी ने पूजा अर्चना कर विधि विधान से सब कुछ अपने हाथों से करवाया। इस दिन पूरे देश में खुशी का माहौल था। जो भाग्यशाली लोग वहां पर पहुंचे उन्होंने तो रामलला के दर्शन किए ही, पूरे देश और विदेश की जनता ने टीवी और इंटरनेट के जरिए भगवान राम के दर्शन किए। भगवान के दर्शन तो सभी ने कर लिए, अब सुनील लहरी यानी कि रामायण के लक्ष्मण ने वहां से मिले हुए प्रसाद की झलक दिखाई है। सुनील लहरी ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है और इसमें साथ ही लिखा है कि क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में क्या प्रसाद मिला और मैं उस प्रसाद का क्या करने वाला हूँ। एक यूजर ने लिखा कि थैंक यू लहरी जी इस प्रसाद के बारे में बताने के लिए। राशिद खान ने PSL के आगामी सीजन से अपना नाम लिया वापस। लाहौर कलंदर्स को लगा बड़ा झटका। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर खिलाड़ी राशिद खान ने आगामी पाकिस्तान सुपर लीग से अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि वह नवंबर में हुई पीठ की सर्जरी के बाद से रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। PSL में लाहौर कलंदर्स के लिए खेलने वाले राशिद को दिसंबर में फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया था, लेकिन राशिद के अब इस टूर्नामेंट में नहीं खेलने से टीम को बड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह यह है कि राशिद ने साल 2022 और 2023 में लाहौर कलंदर्स टीम को विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में राशिद की गैर मौजूदगी में टीम की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है। वहीं ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार राशिद खान IPL 2024 से पहले पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। साउथ एक्टर थलापति विजय करेंगे राजनीतिक पार्टी लॉन्च, बैठक में चुने गए पार्टी अध्यक्ष। साउथ सुपरस्टार थलापति विजय जल्द ही एक राजनीतिक पार्टी शुरू करने के लिए तैयार है, जिसका निर्णय विजय मक्कल यक्कम की समिति के सदस्यों ने एक बैठक में लिया है। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से संगठन की सामान्य परिषद के सदस्यों ने एक्टर को पहले ही पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया है। पार्टी से जुड़े हुए एक करीबी सूत्र ने बताया कि पार्टी के नाम में तमिलनाडु में स्थापित राजनीतिक दलों की लोकप्रिय परंपरा के मुताबिक कजगम शब्द शामिल होगा। विजय की राजनीति में आने की कई अटकलों के बाद अब फैंस को आधिकारिक रूप से ये खबर मिल गई है। कहा जा रहा है कि एक्टर आगामी 2026 की चुनाव में स्टालिन सरकार को चुनौती दे सकते हैं। चेन्नई में हुई बैठक में विजय ने अपने फैन क्लब के सदस्यों से मुलाकात की। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि एक्टर ने राजनीति में आने की कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने फैन क्लब के सदस्यों से बात की है। एक्टर राजनीति में कदम रखने से पहले अपने संगठन को पूरी तरह से मजबूत कर लेना चाहते हैं। बात अगर वर्क फ्रंट की करें तो विजय फिलहाल अपनी अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म गोट पर काम कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है और फिल्म के शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है।
दिल्ली का बजट सत्र 15 से 20 फरवरी तक होगा। केजरीवाल सरकार ने एलजी को भेजी फाइल। बता दें कि दिल्ली का 2024-25 का बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू होगा और 20 फरवरी तक चलेगा। यह केजरीवाल सरकार का 10वां बजट होगा। इसे वित्त मंत्री अतिशी पेश करेंगी। वित्त मंत्री के रूप में अतिशी पहली बार बजट पेश करेंगी। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने फाइल एलजी को भेज दी है। हालांकि आपको यहां बता दें कि केजरीवाल सरकार ने 2023-24 के लिए दिल्ली का जो बजट पेश किया था उसके पीछे एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था। ऐसा किसी राज्य सरकार के बजट के दौरान कभी भी नहीं हुआ। दरअसल केजरीवाल सरकार को 21 मार्च 2023 को बजट पेश करना था, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि अधिकारियों के रवैये के चलते केंद्र सरकार से बजट मंजूरी में देरी हुई थी और इस वजह से बजट को 21 तारीख की जगह पर 22 मार्च को पेश किया गया था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में चिराग पासवान, राजनीतिक संकट पर किया चौंकाने वाला दावा। बिहार में सियासी घमासान जारी है और इस बीच दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। लेकिन इसको लेकर जमुई से सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरी नज़र बिहार में पल पल बदलते हुए घटनाक्रम पर है। कल रात पार्टी की बैठक भी हुई है, दो चार दिन में परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चिराग पासवान ने दावा किया कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है, मैं आज दिल्ली जा रहा हूं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन सरकार बरकरार नहीं रहेगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मांझी ने दावा किया कि परिवारवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान उनके सहयोगी कांग्रेस और राजद पर लक्षित था। मांझी ने कहा कि बिहार के राजनीतिक माहौल के बारे में ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, सभी इसे देख रहे हैं। वंशवाद की राजनीति पर नीतीश कुमार का बयान कांग्रेस और राजद पर था। इन परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि वे एकजुट रहेंगे? भारतीय गणतंत्र दिवस पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की घोषणा, 30,000 भारतीय कर सकेंगे फ्रांस में पढ़ाई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट करके 2030 तक फ्रांस के विश्वविद्यालयों में 30,000 भारतीय छात्रों को पढ़ाई करने की सुविधा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी क्षण है, लेकिन मैं इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि हैं। मैक्रोन ने एक्स पर कहा कि पब्लिक स्कूलों में फ्रेंच सीखने के लिए हम नया रास्ता खोल रहे हैं। इसे फ्रेंच फॉर ऑल, फ्रेंच फॉर द बेटर फ्यूचर नाम दिया गया है। फ्रेंच सिखाने के मकसद से नए केंद्र खोले जाएंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय कक्षाएं बना रहे हैं जिसके जरिए ऐसे छात्रों को फ्रेंच सिखाई जाएगी जो हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम उन भारतीय छात्रों को सुविधाजनक वीजा प्रक्रिया मुहैया कराएंगे जिन्होंने फ्रांस में पढ़ाई की है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपनी पोस्ट में आगे कहा है कि फ्रांस आने का मतलब बेहतर की तलाश करना है। अब आईफोन में थर्ड पार्टी स्टोर से इंस्टॉल कर सकेंगे ऐप, एप्पल यहां देगी ये सुविधा। टेक दिग्गज कंपनी एप्पल ने अपने आईफोन यूजर्स के लिए खास सुविधा की घोषणा की है। यूजर्स अब कंपनी के ऐप स्टोर के साथ साथ किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से भी आईफोन में कोई ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे। हालांकि यह सुविधा फिलहाल चुनिंदा देशों में ही उपलब्ध है। थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल करने में कई संभावित जोखिम होते हैं, क्योंकि कोई भी ऐप आपके आईफोन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकती है या फिर आपको धोखा दे सकती है। आईफोन पर किसी थर्ड पार्टी स्टोर से ऐप इंस्टॉल करने की यह सुविधा फिलहाल केवल यूरोप के देशों में ही उपलब्ध है। इस सुविधा से पैदा होने वाले संभावित खतरों से निपटने के लिए कंपनी कई सुरक्षा उपाय कर रही है। कंपनी यह सुनिश्चित कर रही है कि ऐप एक जांच से गुजरे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे यूजर्स के आईफोन के लिए सुरक्षित हैं। इसके साथ ही कंपनी एक्स ऐप्स के बारे में अधिक जानकारी भी जोड़ रही है। आईफोन यूजर्स को किसी भी ऐप स्टोर से ऐप इंस्टॉल करने की सुविधा एप्पल यूरोप में डिजिटल मार्केट एक्ट यानी डीएमए के कारण दे रही है। डीएमए का कहना है कि एप्पल को यूरोप में लोगों को अधिक विकल्प देने होंगे और नए ऐप्स का उपयोग करते समय उन्हें संभावित खतरों से बचाना होगा। इसके साथ ही एप्पल डेवलपर्स को अपने ऐप्स को विभिन्न तरीकों से साझा करने के लिए नए टूल दे रही है।
इंस्टाग्राम पर अब दोस्तों के लिए अलग से पोस्ट कर सकेंगे तस्वीरें, आ रहा है फ्लिप साइड फीचर। मेटा के स्वामित्व वाला फोटो शेयरिंग कंपनी इंस्टाग्राम फ्लिप साइड नामक एक नया फीचर रोल आउट कर रही है। इस फीचर के तहत यूजर्स अपनी प्रोफाइल की एक नई प्राइवेट साइट बना सकेंगे, जहां वे अपने दोस्तों के लिए अधिक स्पष्ट और व्यक्तिगत तस्वीरें पोस्ट कर सकेंगे। कंपनी ने फ्लिप साइड फीचर पर पिछले साल काम करना शुरू किया था। यह फीचर प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की गोपनीयता को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित होगा। फ्लिप साइड फीचर यूजर्स को अपनी प्रोफाइल का एक अलग वर्जन बनाने की अनुमति देता है। इस तरह की प्रोफाइल में भी यूजर्स नाम, प्रोफाइल फोटो और डिस्क्रिप्शन जैसी चीजों को जोड़ सकेंगे। इसके साथ ही वह अपनी कोई फोटो और रील्स पोस्ट कर सकेंगे और अलग से कोई स्टोरी लगाने में भी सक्षम होंगे। इन सभी पोस्ट, रील्स और स्टोरी को केवल वही लोग देख सकेंगे जिसे यूजर्स अनुमति देंगे। बता दें कि इंस्टाग्राम ने हाल ही में स्टोरी के लिए प्लेटफॉर्म पर AI बैकड्रॉप्स फीचर को जोड़ा है। इस फीचर का उपयोग करके यूजर्स को स्टोरी लगाते समय अपने फोटो के बैकग्राउंड को बदलने की सुविधा मिलती है। इसका उपयोग करने के लिए स्टोरी स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में बैकड्रॉप आइकन पर टैप करें, इसके बाद नेक्स्ट पर टैप करें और अपना पसंदीदा बैकग्राउंड टाइप करें। इंस्टाग्राम AI का उपयोग करके आपकी फोटो के लिए एक नया बैकग्राउंड तैयार करेगी। ज्ञानवापी मामले में शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले न्यायालय का फैसला अभी नहीं आया है, जो भी फैसला आएगा सभी स्वीकार करेंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन एक है, सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अभी इंतजार कीजिए। वह गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला सहकारी बैंक में झंडारोहण के बाद बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी दलों की आपसी बातचीत हो चुकी है। ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर ASI की रिपोर्ट आने के बाद सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी न्यायालय का कोई फैसला नहीं आया है, न्यायालय का जो भी फैसला आएगा वह सभी को स्वीकार होगा। शिवपाल यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, चीन ने देश की भूमि पर कब्जा कर लिया है, सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। अफवाहों पर लिस्टेड कंपनियों को सेबी से मिली ढील, अब इस काम के लिए मिला ज्यादा समय। बाजार नियामक सेबी ने अफवाहों को लेकर नए व कड़े नियमों से बड़ी कंपनियों को राहत दी है। अब नए नियमों को लागू किए जाने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इससे शेयर बाजार में लिस्टेड बड़ी कंपनियों को अब नए नियमों का अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। सेबी ने इसे लेकर डेडलाइन आगे खिसकाने की जानकारी दी है। पहले बाजार से जुड़े हुए अफवाहों पर नए नियम 1 फरवरी 2024 से यानी कि अगले महीने से ही लागू हो रहे थे। अब नए नियमों को 1 जून से लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार से जुड़े हुई अफवाहों पर लिस्टेड कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले खुलासे का नया नियम अब पहले से तय समय के 4 महीने बाद लागू होगा। नए नियमों के अनुसार बाजार में कोई भी अफवाह आने पर संबंधित लिस्टेड कंपनी को या तो उसे स्वीकार करना होगा या उसका खंडन करना होगा। यह कयासों पर लगाम लगाने और निवेशकों, खासकर के छोटे खुदरा निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए है। शेयर बाजार की 100 सबसे बड़ी कंपनियों के लिए सेबी के ये नए नियम पहले 1 फरवरी से लागू हो रहे थे, लेकिन अब ये नए नियम 1 जून से अमल में आएंगे। अफवाहों पर खुलासे के ये नए नियम टॉप 250 लिस्टेड कंपनियों के लिए भी अब तय समय के बाद लागू होंगे। पहले टॉप 250 लिस्टेड कंपनियों के लिए सेबी ने नए नियमों के लागू होने की डेडलाइन 1 अगस्त 2024 तय की थी। अब ये 4 महीने बाद यानी कि 1 दिसंबर 2024 से प्रभावी होंगे। सेबी को उम्मीद है कि इन नियमों के लागू होने से कॉरपोरेट गवर्नेंस बेहतर होगी। बिहार में बीजेपी JDU के साथ आने की खबरों पर सुशील मोदी के अलावा अन्य नेताओं ने कहा, राजनीति में दरवाजे परमानेंट बंद नहीं होते। बिहार में नीतीश कुमार द्वारा नई सरकार बनाने की अटकलें काफी तेज हैं। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार आगामी रविवार को महागठबंधन से नाता तोड़कर एक बार फिर से NDA में शामिल हो सकते हैं। हालांकि JDU की तरफ से कहना है कि ये महज एक अफवाह है। बता दें कि इन सब तमाम अटकलों के बीच अब बिहार की राजनीति से जुड़े हुए तमाम दल के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर RLJD के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ऐसी चर्चा है कि वह NDA गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। यह सच है कि नीतीश कुमार भारत गठबंधन छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। अगर वह NDA में शामिल होते हैं तो बड़ी बात होगी। सवाल ये है कि चुनाव के बाद वह NDA के साथ रहेंगे या नहीं। इसकी क्या गारंटी है कि वह लोकसभा चुनाव के बाद NDA गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे।
नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लिया है और हमें उनके संकल्प पर भरोसा है। तो वहीं आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने कहा कि बिहार महागठबंधन सरकार राज्य की जनता के हित में ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है। जिनके दिल में डर होता है वही बार बार सब ठीक है कहते हैं। बिहार को लेकर बीजेपी डरी हुई है। कांग्रेस ने कहा, ममता बनर्जी के बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हो रही है दिक्कतें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पश्चिम बंगाल में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पार्टी को राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कुछ सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस कुछ जगहों पर सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना चाहती थी, लेकिन स्कूल परीक्षाओं की वजह से परमिशन नहीं मिली। कांग्रेस नेता ने कहा कि परीक्षाओं का हवाला देते हुए सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की परमिशन नहीं मिल रही है। कुछ जगहों पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम समेत पूर्वोत्तर की तरह ही टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनको लग रहा था कि उन्हें पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर सार्वजनिक बैठकों के लिए छूट मिलेगी, लेकिन प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। आपको बता दें कि 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने असम से पश्चिम बंगाल में गुरुवार को प्रवेश किया और 2 दिन का ब्रेक लिया। 28 जनवरी से यात्रा फिर से शुरू होगी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन राजनीति प्रभाव से मुक्त है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के कई हिस्सों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और राजस्थान और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में सुबह और रात के दौरान घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पंजाब और हरियाणा में ठंडे दिन से लेकर गंभीर ठंडे दिन की स्थिति संभव है। तो वहीं बिहार के कुछ हिस्सों और पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में एक या दो स्थानों पर ठंडे दिन की स्थिति की उम्मीद है। पश्चिम हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। तो वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश संभव है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर हल्की बारिश संभव है। आज का सुविचार, किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।